हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास आए टाटा नेक्सॉन, उसका हम आज सीट कवर इंस्टॉलेशन, फ्लोर लैमिनेशन और स्टीयरिंग कवर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सीट कवर यहाँ पे हमने चूज़ किया है, इसका मटेरियल है नापा लेदर बोल के, और उसका कलर भी पूरा ब्लैक में आने वाला है और थोड़ा सा हाईलाइट में, पूरा ब्लैक स्टिचिंग में आने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर फ्लोर लैमिनेशन का भी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। कुछ कंपनी का इस तरह से आपको यहाँ पे सीट कवर देखने को, जो फैब्रिक में सादे वाले आते हैं। कस्टमर ने इस सीट कवर की ऑर्डर दी थी, हम ऑर्डर के हिसाब से ये उनकी चॉइस के हिसाब से सीट कवर ऑर्डर बना के हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए। और ये जो कंपनी का कारपेट आता है, यहाँ पे हम फ्लोर लैमिनेशन इंस्टॉल करने वाले। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि गंदी तरीके से ये हो गया है, मतलब इसका बारीक बारीक कचरा। ये कारपेट का डिसएडवांटेज यही है, जो छोटा मोटा डस्ट है वैक्यूम करने के बाद भी नहीं निकलता। फ्लोर लैमिनेशन का एडवांटेज ये है, जब यहाँ पे हम फ्लोर लैमिनेशन करेंगे और ये जो कारपेट का है, यहाँ पे कोई लिक्विड गिरा, जैसे दूध हो या कोई भी दूसरा लिक्विड हो, तो उसकी स्मेल जल्दी से जाती नहीं है कारपेट में। फ्लोर लैमिनेशन को ऐसा नहीं है, अंदर ये पूरा वॉशेबल रहता है। किसी की प्रकार का भी लिक्विड यहाँ पे गिरा हो तो आसानी से ये आप यहाँ पे साफ कर सकते हो, कोई भी स्मेल नहीं आती। और ये जो नापा लेदर है, इसकी सीट कवर की भी स्मेल नहीं आती। और ये और आपको एक पीछे के सीट कवर में हेड रेस्ट यहाँ पे आपको कुछ फिक्स तरीके से हेड रेस्ट यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे आर्म रेस्ट कंपनी ने ऑफर नहीं किया है। और आगे वाले सीट में यहाँ पे हेड रेस्ट ये मूवेबल है, मतलब ये निकाल भी सकते हैं, जो पीछे वाले सीट में नहीं आते। उसी हिसाब से हम यहाँ पे सीट कवर यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन ये सीट कवर का आया है, साथ ही साथ ब्लैक कलर में हम इसका फ्लोर लैमिनेशन करने वाले हैं। और स्टेयरिंग कवर भी ब्लैक कलर का ही इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। कुछ इस तरह का कंपनी का स्टेयरिंग है, यहाँ पे पहले से कुछ नहीं आता, सिर्फ ये प्लास्टिक का लग रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, कंपनी का है। यहाँ पे ब्लैक कलर के यहाँ पे स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल किया है। कारपेट का डिसएडवांटेज यही है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड गया तो इसकी स्मेल जल्दी जाती नहीं है। ये छोटा मोटा डस्ट है, कचरा कारपेट के अंदर गया तो वैक्यूम से भी जल्दी से निकलता नहीं है। अभी ये नई गाड़ी कुछ दिनों से पहले से ही इतनी गंदी है। तो जब भी आप नई गाड़ी लेंगे तो पहला काम यही है कि फ्लोर लैमिनेशन करवा के, क्योंकि ये स्मेल जाती नहीं है बाद में। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना गंदा हो चुका है। हम ये पूरा सीट कवर ओपन करेंगे, साथ ही साथ सीट कवर खोलने के बाद पूरा ये जो फ्लोर में कचरा है पूरा वैक्यूम करेंगे। जो सीट कवर यहाँ पे हमने इस चीज़ के, ये स्टर्लिंग कंपनी के प्रीमियम सीट कवर से, और ये जो कस्टमर ने इसको ऑर्डर दिया था उनके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन मटेरियल, जो नापा लेदर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल है। और ये 4-5 साल इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना ये स्मेल छोड़ता है, ना यहाँ पे फंगस होने के इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे आप मटेरियल की क्वालिटी देख सकते हो, पूरा ब्लैक स्टिचिंग में ही ये पूरा मटेरियल है, सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट रेड में किया है। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, हमें थोड़ा सा रेड हाईलाइट चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने ऑर्डर के हिसाब से ये बना के लिया है। यहाँ पे आप स्टिचिंग भी देख सकते हो पूरी। चलो तो फिर सीट कवर ओपन कर दे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब सीट कवर हम ओपन करेंगे, यहाँ पे दो पीछे नीचे है ना, इसके सॉकेट आते दो, मतलब यहाँ पे नट बोल्ट ढीले के निकाले और फिट निकाला ऐसा नहीं है। गलती से भी उसको खींचो मत, क्योंकि उसके पीछे नीचे दो सेंसर लगे हुए, उसके दो सॉकेट है, ये आराम से निकालने की, ये चीज़ ध्यान में रखो। नहीं तो सीट कवर ऐसे आप सीट उठाएंगे खींचेंगे बाहर तो केबल टूट सकती हो अंदर से। आराम से यहाँ पे वो सॉकेट निकाल के यहाँ पे आपको सीट बाहर निकालने। ये जो प्लास्टिक का कवर आता है पीछे वाले, वो निकाल के हम उसके अंदर एक जो बोल्ट आता है वो स्क्रू आता है वो निकाल लेंगे। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, बस यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो सॉकेट है ना, ये आराम से डिसमेंटल करने हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, दूसरा वाले सीट में
क्योंकि इसमें मुझे लगता है सीट बेल्ट का सेंसर होगा, एयरबैग का कुछ सेंसर होगा, जैसे आराम से निकलना है डायरेक्टली सीट ऐसे खींच के बाहर नहीं निकलना, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है भाई। फ्लोर लेमिनेशन बिठाने के लिए आप आपको ये बीडिंग भी खोलनी पड़ती है, साइड के प्लास्टिक भी पूरे निकालने पड़ते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में याद रखनी है, पूरे आराम से ये प्लास्टिक और ये बीडिंग्स निकालने हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के लॉक होते हैं, फेस लॉक, टूटा तो नुकसान हो सकता है, बाद में वो अच्छी तरह से प्रॉपर फिट नहीं हो सकते, ये चीज़ें आप ध्यान में रखनी है। आराम से यह खोलने का है प्लास्टिक पूरा, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का फ्लोर लेमिनेशन इसके अंदर पूरा प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा, इसकी वजह से हमें यह प्लास्टिक निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर भी, इसको भी खींचना नहीं है, इसके अंदर भी एक छोटा मोटा स्क्रू रहते हैं, ब्रैकेट लगा रहता है, अच्छी तरह से देख के वो निकालना है। एक दो ब्रैकेट टूटे तो ये प्लास्टिक वेस्ट हो जाएगा भाई, ये ध्यान से ये चीज़ हमें ये ध्यान में रखने का है, इससे प्लास्टिक ऐसे खींचने का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम फ्लोर लेमिनेशन बिठाएंगे हम या हमारे यहाँ बिठाओ या कोई भी शॉप पे जाके बिठाओ, तो जब सिर्फ पूरा खोलेंगे तब ये जो मिट्टी है जो फ्लोर लेमिनेशन बिठाने वाले हैं उसको ज़रूर बोले कि ये पहले मिट्टी वैक्यूम से अच्छी तरह से पूरा क्लीन करके ले, उसके बाद ही इसके ऊपर फ्लोर लेमिनेशन बिठाने का, क्योंकि ये गंदा होगा तो थोड़ा सा लिक्विड गिरा होगा तो उसका स्मेल, ये छोटे मोटे इसके अंदर पत्थर भी रहते हैं, तो ये पूरा इसके ऊपर फ्लोर लेमिनेशन किया तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका फ्लोर लेमिनेशन बिठाने का। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो हमने पूरी तरह से इसको वैक्यूम करके लिया है, जो छोटे मोटे कचरा था बारीक बारीक इसके अंदर पत्थर थे भी, वो पूरे वैक्यूम से हमने यहाँ पे पूरे कंप्लीट किए, पूरा फ्लोर यहाँ पे हमने वैक्यूम करके लिया है, कहाँ पर भी कचरा नहीं छोड़ा है। ये प्रोसेस हमें जो भी आप गाड़ी में फ्लोर लेमिनेशन बिठाने वाले हो तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में रखेंगे, कुछ यहाँ पे देख सकते हो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे वैक्यूम करके लिया है। पूरा फ्लोर हमने वैक्यूम करके लिया है, अभी इसके ऊपर हमें यहाँ पे फ्लोर लेमिनेशन इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कचरा आपको नहीं दिखाई देगा, यही राइट प्रोसेस है उसकी, क्योंकि कई कई लोकल शॉप में ऐसे रहते हैं सीट खोले फ्लोर लेमिनेशन बिठा दिया, चलो थोड़ा सा परफेक्ट काम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कम्प्लीटली हमने यहाँ पे वैक्यूम करके यहाँ पे फ्लोर पूरा क्लीन करके इसके बाद हम इसके ऊपर फ्लोर लेमिनेशन बिठाने वाले हैं।
जो ब्लैक कलर में इसका फ्लोर लैमिनेशन सूट कर रहा है, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर का कलर भी ब्लैक नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेंसर की वायर होती है या सॉकेट की, वहाँ पे अच्छी तरह से प्रॉपर कट करके वहाँ पे हमने वो वायर पूरी वहाँ पे से बाहर निकाल के लिए। यही एक ओके प्रोसेस है नीचे दबा के नहीं रखने की। और जो बाकी के भी कट्स है, मतलब सीट कवर के नट लगा बोल्ट लगाने के हो या दूसरे कट्स हो, एकदम परफेक्टली यहाँ पे हमने कट करके या इसके अंदर इंस्टॉल किया है। कहाँ पे भी ऐसा इसके अंदर गैप भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ्लोर लैमिनेशन है उसके नीचे एक वेलक्रो भी आता है, वो अच्छी तरह से चिपक के रहता है। यहाँ पे कहाँ पे बबल भी नहीं दिखेंगे, पूरा अच्छे तरह से प्रॉपर ये फिट हो गया है। ये प्लास्टिक के अंदर पूरा कवर हो जाता है। जो साइड के बीडिंग आते हैं, प्लास्टिक आता है उसके अंदर एकदम परफेक्टली ये कवर हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका लैमिनेशन का मटेरियल का क्वालिटी भी अच्छा है। अभी यहाँ पे कट भी आप एकदम परफेक्ट कट मारे यार उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये फ्लोर लैमिनेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद होने वाला है सीट कवर का। चलो और सीट कवर का देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा है इसका इंटीरियर लग रहा है यार। पूरा ब्लैक में और ये थोड़ा सा रेड में हाईलाइट। जो स्टिचिंग है वो भी ब्लैक कलर में आई है। पूरा सीट कवर नापा लेदर है और पूरा इसका फिटिंग भी पूरा बकेट फिटिंग हमने किया है यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे फ्लोर लैमिनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। पूरा गाड़ी का इंटीरियर का लुक ही अभी चेंज हो गया है ये तीन चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद ही। यहाँ पे आप इसकी मटेरियल की क्वालिटी आप देख सकते हो, वो भी प्यारा बढ़िया लग रहा है इसका इंटीरियर।
स्टर्लिंग कंपनी का मटेरियल कौन सा जो अच्छा रहता है उसका मटेरियल क्वालिटी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। तो वो ये जो किया है पूरा बकेट फिटिंग है, इसका फिटिंग आता है। यहाँ पे आप हेडरेस्ट भी देख सकते हो, उसके हिसाब से सीट कवर यहाँ पे भी इंस्टॉल करिए। पीछे का व्यू देखे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटीरियर का केबिन बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, इसका कलर कॉम्बिनेशन और ये पूरा ब्लैक में